ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और पेश है आज के मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी। देश में एनडीए गठबंधन 290 से ज्यादा सीट पर आगे, वहीं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को 230 से अधिक सीटों पर बढ़त। छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटों पर भाजपा आगे। कोरबा लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार जीत की ओर अग्रसर। और छत्तीसगढ़ में 2-3 दिन में दस्तक दे सकता है मानसून। जगदलपुर में आज गरज चमक के साथ हुई तेज बारिश। अब समाचार विस्तार से। 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। लोकसभा की सभी 543 सीटों में सुबह से मिल रहे रुझान अब परिणाम में बदलने लगे हैं, जिनमें से कुछ सीटों के नतीजे घोषित हो गए हैं। एनडीए गठबंधन ने लगभग 290 सीटों पर, जबकि इंडिया गठबंधन 230 से अधिक सीटों पर आगे है। अन्य दल 18 सीटों पर आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 238 सीटों पर, जबकि कांग्रेस 99 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। विभिन्न राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से इंडिया गठबंधन 41 और एनडीए 38 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सभी 29 सीटों पर आगे चल रही है। गुजरात की 26 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 25 पर और इंडिया गठबंधन पर 1 पर आगे चल रहा है। बिहार की 40 सीटों में से एनडीए 31 और इंडिया गठबंधन 8 सीटों पर आगे है। महाराष्ट्र की 48 सीटों में से एनडीए 19 और इंडिया गठबंधन 28 पर आगे चल रहा है। राजस्थान की 25 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 14 और इंडिया गठबंधन 11 पर आगे है। प्रमुख उम्मीदवारों में प्रधानमंत्री और वाराणसी से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी 1,52,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीत गए हैं। वहीं गांधीनगर से केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 7,44,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की है। आगे चल रहे प्रमुख उम्मीदवारों में गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल के नाम प्रमुख हैं। जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है तो राज्य की 11 सीटों में से 10 पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे हैं। वहीं कोरबा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। राज्य की इन सभी 11 लोकसभा सीटों का विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे समाचार संपादक विकल्प शुक्ला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को भले ही उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे राज्यों में मन मुताबिक कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन छत्तीसगढ़ में उसे अपेक्षा के अनुरूप सफलता मिली है। यदि हम पिछले चुनावों से तुलना करें तो 2014 में हुए चुनाव में भाजपा ने प्रदेश में 10 सीटें जीती थी और कांग्रेस ने 1। वहीं 2019 में हुए पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 9 और कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 11 में से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने बढ़त बना ली है। यह हम बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 4 सीटों सरगुजा, बस्तर, रायगढ़ और कांकेर में भाजपा के प्रत्याशी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित एकमात्र सीट जांजगीर चांपा पर भी भाजपा प्रत्याशी ही जीत रहे हैं। राज्य की जो सीट सबसे अधिक चर्चा में रही है, अब उसकी बात करते हैं। राजनांदगांव सीट पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार भूपेश बघेल भारतीय जनता पार्टी के संतोष पांडे से 44,600 से ज्यादा मतों से पीछे चल रहे हैं। रायपुर सीट पर भाजपा के ब्रजमोहन अग्रवाल रिकॉर्ड मतों से जीतने का कीर्तिमान स्थापित करने जा रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक श्री अग्रवाल अपने निकटतम प्रतिद्वंदी विकास उपाध्याय से करीब 5,46,000 मतों से आगे हैं। वहीं कोरबा सीट पर भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पार्टी उम्मीदवार सरोज पांडे कांग्रेस की ज्योत्सना महन से करीब 39,500 से ज्यादा मतों से पीछे चल रही हैं। रायगढ़ सीट पर भाजपा के राधेश्याम राठिया 2,40,000 मतों से आगे हैं। बस्तर सीट पर भाजपा के महेश कश्यप कांग्रेस के कवासी लखमा से 55,000 से अधिक मतों से आगे चल रहे हैं। वहीं बिलासपुर सीट में भाजपा के तोखन साहू कांग्रेस उम्मीदवार देवेंद्र यादव से 1,49,000 मतों से आगे हैं। सरगुजा की बात करें तो यहां वोटों की गिनती का काम लगभग पूरा हो चुका है, हालांकि अभी चुनाव परिणाम की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। यहां भाजपा के चिंतामणि महाराज ने कांग्रेस की शशि सिंह को 64,000 से अधिक वोटों से हराया है। जांजगीर चांपा में भाजपा की कमलेश जांगड़े कांग्रेस के डॉ शिव कुमार डहरिया से 55,900 वोटों से आगे चल रही हैं। महासमुंद में भाजपा की रूप कुमारी चौधरी कांग्रेस उम्मीदवार ताम्रध्वज साहू से करीब 1,44,000 मतों से आगे हैं।
वहीं कांकेर सीट पर भाजपा उम्मीदवार भोजराज नाग कांग्रेस के वीरेश ठाकुर से लगभग 1900 मतों से आगे हैं। दुर्ग सीट की बात करें तो यहां भाजपा उम्मीदवार विजय बघेल 4,30,000 से अधिक वोटों से कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र साहू से आगे चल रहे हैं। जी शुभ्रा, धन्यवाद विकल्प जी। श्रोताओं, अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं राजनांदगांव, जहां हमारे संवाददाता मिथिलेश दिवांगन इस समय मतगणना केंद्र में है। मिथिलेश, क्या है ताजा स्थिति? राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र की मतगणना लगभग पूरी हो गई है, हालांकि आधिकारिक घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन जो चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है उसके अनुसार 44,621 मतों से अभी भाजपा के संतोष पांडे जी आगे चल रहे हैं। राजनांदगांव से 57,000 से अधिक मतों की इनको लीड मिली है। डोंगरगढ़ और खुद्जी से भी भाजपा की बढ़त है। वहीं मोहला मानपुर से कांग्रेस को बढ़त मिली है। इसके अलावा कवर्धा और पंडरिया विधानसभा क्षेत्र से भी कांग्रेस आगे रही है। अब कवर्धा का और खैरागढ़ का कंपाइल होने के बाद संभवतः आधी एक घंटे में ये फाइनल फिगर जारी हो जाएगा, लेकिन एक मोटा मोटे अगर माने तो 40,000 से अधिक वोटों से भाजपा की जीत यहाँ लग रही है। धन्यवाद मिथिलेश। अब चलते हैं जगदलपुर, जहां से हमारे संवाददाता संतोष वर्मा मतगणना की ताजा स्थिति के बारे में बता रहे हैं। बस्तर लोकसभा सीट के लिए 18 राउंड की गिनती के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महेश कश्यप ने 4,47,800 वोट पाए हैं और कांग्रेस उम्मीदवार काफी लखमा को 3,94,700 वोट मिले हैं। इस तरह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महेश कश्यप लगभग 54,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अभी 20 राउंड की गिनती है और 18 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। धन्यवाद संतोष। आइए अब चलते हैं कोरबा, जहां से हमारी संवाददाता राजश्री गुप्ते मतगणना के बारे में जानकारी दे रही हैं। जी राजश्री, बताइए। कोरबा लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 4 से कांग्रेस की श्रीमती ज्योत्सना महंत लगभग उनकी जीत सुनिश्चित है। अभी तक आधिकारिक तौर पर 10 राउंड के वोटों की गिनती की घोषणा की गई है और कोरबा में जो काउंटिंग हुई है उसमें लगभग सारे राउंड पूरे कर लिए गए हैं और जो अभी पुष्टि नहीं हुई है उसके बाद के जो आंकड़े आ रहे हैं लगभग 34,000 वोटों से श्रीमती महंत ने भाजपा पर बढ़त बनाई गई है और लगभग थोड़े आंकड़े इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ से यह सीट निकाल ली है और सबकी नजर इस सीट पे थी, कोरबा की सीट पे थी। धन्यवाद राजश्री। और अब चलते हैं रायपुर, जहां हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार इस समय मतगणना केंद्र में हैं। अभिषेक, क्या है ताजा स्थिति? ब्रिजमोहन अग्रवाल, अभी जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट की 5,46,195 मतों से आगे चल रहे हैं, जबकि हालांकि जो आधिकारिक रूप से जो है अभी 15 राउंड की ही मतगणना को डिक्लेयर किया गया है, 23 राउंड की मतगणना होना है। ब्रिजमोहन अग्रवाल, चूंकि अभी 8 राउंड की मतगणना बाकी है तो लग रहा है ऐसा कि लगभग 6,00,000 से अधिक मतों से विजय दर्ज करके एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रहे हैं। रायपुर लोकसभा से बीजेपी एक बार फिर, जो 28 साल से इस पे कब्जा है, एक बार फिर बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। धन्यवाद अभिषेक। श्रोताओं, अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश के जाने माने चुनाव विश्लेषक डॉक्टर सुशील त्रिवेदी। डॉक्टर त्रिवेदी, ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए को उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान सहित देश के अनेक राज्यों में अपेक्षा अनुरूप सफलता नहीं मिली है, लेकिन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे मध्य भारत के राज्यों में इसने न सिर्फ अपनी जमीन को बचा कर रखा है बल्कि उसे मजबूत भी किया है, क्या वजह है इसकी? देखिए, चीजें स्पष्ट है कि भारत में अगर एनडीए को अपेक्षा के अनुरूप सफलता नहीं मिली, इसका कारण तो शायद यह है कि एनडीए के द्वारा जो प्रचार किया गया था वो हर चरण में देखते हैं आप उनका विमर्श का केंद्र बदलता रहा है ना। पहले रामलला मौली मामले से सनातन धर्मवादी, फिर बाद में सांप्रदायिक, अलग अलग, लेकिन इससे जो वोटर है थोड़े कंफ्यूज हो गए कि हमारा लक्ष्य क्या है। और शायद दूसरी ओर जो इंडिया गठबंधन था उसने जो संविधान की बातचीत, गरीबी की बातचीत और बेरोजगारी की बातचीत की और उसकी तरफ उन्होंने जो ध्यान दिलाया उसके कारण उनको अपेक्षित सफलता जो मिलनी चाहिए इंडिया को वो नहीं मिल पाई। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर त्रिवेदी। छत्तीसगढ़ में मानसून अगले 2-3 दिनों में दस्तक दे सकता है। मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि गुरुवार या शुक्रवार तक राज्य के बस्तर संभाग के जिलों में मानसून का प्रभाव देखने को मिल सकता है। अगले 2 दिनों के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा होने की संभावना है। इस बीच बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में आज शाम मौसम ने करवट बदली और दोपहर बाद यहां गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी। देश में एनडीए गठबंधन 290 से ज्यादा सीट पर आगे, वहीं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को 230 से अधिक सीटों पर बढ़त। छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटों पर भाजपा आगे। कोरबा लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार जीत की ओर अग्रसर। और छत्तीसगढ़ में 2-3 दिन में दस्तक दे सकता है मानसून। जगदलपुर में आज गरज चमक के साथ हुई तेज बारिश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।